आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमें भी पूछा गया है दैट रॉबिन इन प्लेइंग ग्रुप एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स व्हाट ही शुड कंसीडर व्हाइल फॉर्मिंग द ग्रुप। ओके, कहने का मतलब यह है कि रॉबिन प्लान कर रहा है बच्चों के लिए एक ग्रुप एक्टिविटी। ओके, सो ग्रुप फॉर्म करते टाइम रॉबिन को अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए। ओके, बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, दैट इज मेक इवन नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, तो ये पॉइंट तो सही है दैट ईच ग्रुप शुड हैव द इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो ये पॉइंट सही है। बट इसमें लिखा है दैट ही शुड मेक इवन नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो इवन नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके, तुम कह सकते हो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर ऑड नंबर ऑफ ग्रुप्स पे बनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हाइल मेकिंग द ग्रुप्स। तो ये जो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया। ओके, बात करें ऑप्शन बी की, दैट इज देयर शुड बी सेपरेट ग्रुप्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, मतलब वहां पे सबके बॉयज और गर्ल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है वो भी गलत है, बिकॉज हमें एक ही टीम में कुछ बॉयज भी रखने चाहिए और कुछ गर्ल्स भी रखने चाहिए, बिकॉज कुछ चीजों में बॉयज अच्छे होते हैं और कुछ चीजों में गर्ल्स अच्छे होते हैं। ओके, सो टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए वी शुड हैव बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ सेम ग्रुप। सो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी इन अ सेम ग्रुप। ओके, शुड बी इन अ सेम ग्रुप, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, हमें ऐसा डिफरेंस नहीं करना चाहिए बिटवीन द बॉयज एंड ए गर्ल। ओके, और दोनों को सेम इक्वालिटी कह सकते हैं, सेम रिस्पॉन्स या सेम दर्जा देना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो गया। बात करें ऑप्शन सी का, दैट इज देयर शुड बी कॉपरेशन अमोंग ऑल द मेंबर्स। ओके, तो ग्रुप में सारे मेंबर्स के बीच में कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो नेसेसरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज अगर टीम के अंदर कॉपरेशन नहीं होगा देन उसमें टीम स्पिरिट नहीं होगा। ओके, तो टीम स्पिरिट के लिए हमारे ग्रुप में कॉपरेशन होना बहुत मैंडेटरी है। अगर टीम स्पिरिट होगा देन सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर इक्वल लर्निंग। ओके, तो कह सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस और बेटर लर्निंग प्रोसेस होगा अगर टीम के बीच में कॉपरेशन होगा। तो ये जो सी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं मैंडेटरी है। ओके, बात करें ऑप्शन डी की, दैट इज मार्क्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल ग्रुपिंग द फॉर्मिंग द ग्रुप्स। ओके, मतलब ग्रुप को फॉर्म करते टाइम हमें बच्चों के मार्क्स को ध्यान में रखकर ग्रुप को फॉर्मेशन करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज हमें बायसिंग नहीं करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। सो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स हमें बच्चों में बायसिंग नहीं करना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म नहीं करना चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन मार्क्स हमें ग्रुप फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ओके, तो बात करें करेक्ट आंसर की, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सो हेयर आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।